हमीरपुर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक प्रवीण डावर ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रवीण डावर ने दावा किया कि हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेगी। साथ ही डावर ने मोदी को सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला पीएम बताया। हमीरपुर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक प्रवीण डावर ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रवीण डावर ने दावा किया कि हमीरपुर संसदीय सीट पर कांग्रेस अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेगी। साथ ही डावर ने मोदी को सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला पीएम बताया है और कहा कि मोदी निरंतर झूठ बोलते आए हैं। उन्होंने कहा कि देश का मोटो सत्यमेव जयते को मोदी ने असत्यमेव जयते कर दिया है। प्रवीण डावर ने मोदी के रक्षा सौदों पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा रक्षा सौदों में स्कैम मोदी के कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी पुरानी बातों को उठा रहे हैं लेकिन राफेल के ऊपर जवाब देने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाजपेयी की सरकार में सबसे बड़े घोटाले हुए हैं जिन्हें बीजेपी भूल गई है। उन्होंने मोदी से पूछा कि बीजेपी के उम्मीदवारों के पास चुनाव लड़ने के लिए 100 गुना पैसे हैं जो कि कहां से आ रहे हैं। आजादी के बाद जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है रक्षा के मामले में वो है राफेल। मोदी जी, आप उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं और आप पुरानी बातें उठा रहे हैं जिनके ऊपर जो है फैसला जनता ने बार बार दे दिया है। चुनाव उसके बाद कितने हो गए, जनता ने अपना फैसला दे दिया है। अब राफेल के ऊपर आप क्यों नहीं जवाब देते हैं। इतना बड़ा स्कैम जो है डिफेंस में आज तक कभी नहीं हुआ है, उसका जवाब प्रधानमंत्री को देना है। और मैं बताना चाहता हूं, आज जनता भूल गई है कि वाजपेयी जी की जब सरकार थी, वाजपेयी जी की हम बड़ी इज्जत करते हैं लेकिन जब उनकी सरकार थी तो सबसे बड़े घोटाले तो उस वक्त हुए थे। तहलका कांड हुआ था, कफन कांड हुआ था, दूसरे भी कांड हुए थे, इतने बड़े बड़े कांड हुए थे रक्षा के मामलों में भी, दूसरे मामलों में भी, उसकी बात मोदी जी नहीं कहते हैं। और सबसे भ्रष्टाचारी सरकार जो है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं पिछले साल नागालैंड में ऑब्जर्वर था, हमारे पास 25 लाख रुपया नहीं था कैंडिडेट्स को देने का और इन्होंने 3-3 करोड़ रुपया दिया एक असेंबली उम्मीदवार को। इतना पैसा है इनके पास, इतना पैसा है, सारी पार्टियां एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, फिर भी बीजेपी के पास जो है उनसे 100 गुना पैसा ज्यादा है। ये पैसा कहां से आ रहा है, हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से। डावर ने हिमाचल में गुटबाजी पर माना कि हिमाचल में पहले गुटबाजी बहुत ज्यादा थी लेकिन अब कम हो गई है। उन्होंने विश्वास से कहा है कि इस बार प्रदेश के चारों सीटों को कांग्रेस जीतेगी। उन्होंने कहा कि नेताओं के मतभेदों को दूर किया जा रहा है और मिलकर चुनावों में काम कर रहे हैं। देखिए, इस बार जो है पिछले असेंबली इलेक्शन और पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन के मुकाबले जो है मुझे जो झुकाव जनता का लग रहा है, क्योंकि मैं चारों पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा चुका हूं, जनता का जो झुकाव है इस बार कांग्रेस की ओर है और खासकर पूर्व सैनिकों का पूरा झुकाव, 100% पूर्व सैनिक जो हैं वो कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव है और हम चारों में से चारों सीटें जीतेंगे। और इस बार मुझे पूरा यकीन है कि हमीरपुर की सीट भी अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में स्टार प्रचारकों के सवाल पर डावर ने कहा कि जहां से डिमांड स्टार प्रचारकों की आई है वहां पर स्टार प्रचारकों ने अपना प्रचार किया है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में भी प्रियंका गांधी के दौरे की डिमांड पहुंची है जिस पर विचार किया जा रहा है। हमीरपुर क्षेत्र से एक डिमांड मुझे कल मिली थी कि प्रियंका जी को यहाँ आना चाहिए रोड शो के लिए। मैंने जो है वो बात पहुँचा दी है लेकिन वो आज है वहाँ पे सुंदरनगर में, समय मुझे पता नहीं है क्योंकि उनके आगे भी जाना है। ये उनके प्रोग्राम जो है हफ्ता 10 दिन पहले प्लान हो जाते हैं तो बड़ा मुश्किल है उसको मॉडिफाई करना, लेकिन मैं अभी हूँ यहाँ पे 1-2 घंटे और दूसरे जो सीनियर लीडर्स हैं यहाँ के उनसे मैं मिलके जाऊँगा। जिनकी कोई डिमांड हुई स्टार प्रचारक की तो हम आगे दिल्ली को वो भेजेंगे। मैं मानता हूँ क्योंकि मैं बहुत चुनावों में पहले काम कर चुका हूँ, असेंबली में पार्लियामेंट में गुटबाजी रही है उससे नुकसान होता है, लेकिन इस चुनाव में मैंने देखा है अब जो है गुटबाजी बहुत कम है। जहां थोड़े थोड़े जो उनके मतभेद हैं वो हम दूर कर रहे हैं, हमारे पास समय है और सब लोग जो है एक मिल के चल रहे हैं। सब जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें एक तालमेल पैदा हो गया है और मुझे पूरा यकीन है
पूरा यकीन है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये एक ही टीम की तरह लड़ाई लड़ रही है, इसलिए जो है मुझे विश्वास है कि हम चारों की चारों सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगे। आईएनएस विराट मुद्दे पर डाबर ने सफाई देते हुए कहा कि इसका जवाब एडमिरल रामदास और पस्टिजा ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब इसमें अधिकारियों के द्वारा दिए गए जवाब को माना जाए या फिर मोदी के बयानों को। डाबर ने कहा कि मोदी झूठ ऐसी कला से बोलने में माहिर हैं कि लोग सच समझ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी महामिथ्याचारी हैं जो कि जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। जवाब तो है एडमिरल रामदास, जो उस वक्त फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे सदर्न नेवल कमांड के, और एडमिरल पसरीजा जो उस वक्त उस शिप के कैप्टन थे, उन्होंने जब उसका जवाब दे दिया है, या तो हम उनकी बात माने या मोदी जी की झूठ बात है जो वो माने। मोदी जी तो मैं बता रहा हूं ना, उनकी करप्शन से भी ज्यादा जो है मोदी जी की जो कमी है वो झूठ बोलने की है। और इस देश को प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहिए जो निरंतर झूठ बोलता रहे। उसके आपके मैंने कितने उदाहरण दे दिए हैं। देश का मोटो है क्या है? सत्यमेव जयते। लेकिन मोदी जी ने कर दिया है असत्यमेव जयते। वो झूठ ऐसी कला से बोलते हैं कि लोग उसको सच मानना शुरू कर देते हैं, लेकिन लोगों को समझ आ रहा पहले चरण में और आखिरी चरण में ये फर्क है। मैं दोनों चरणों में रहा हूं, अब लोगों को समझ आ रहा है कि मोदी जी जैसे मिथ्याचारी महामिथ्याचारी आज तक नहीं हुए हैं। ये बड़ी खेद की बात है इस देश के लिए। और जनता जो है हमारी, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको पता नहीं है ना इतिहास का, तो ये जो भी बोलते हैं लोग उसको सच मान लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन ऐसा करना प्रधानमंत्री के लिए मैं समझता हूं बहुत ही अनैतिक है। और वो महात्मा गांधी के प्रदेश से आते हैं, सरदार पटेल के प्रदेश से आते हैं, है? महात्मा गांधी ने तो पूरे दुनिया को सत्य का संदेश दिया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं आता कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उस पुण्य भूमि के हैं जहां महात्मा गांधी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।